अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट डेस्कटॉप मैकओएस लिस्ट व्यू कंपोनेंट। लिस्ट व्यू कंपोनेंट इज यूज्ड टू अलाउ द यूजर्स टू रेंडर लिस्ट ऑफ आइटम्स एज दिस इज अ बेस कंपोनेंट फॉर लिस्ट आइटम्स। वी कैन यूज द फॉलोइंग अप्रोच इन रिएक्ट जेएस टू यूज द रिएक्ट डेस्कटॉप मैकओएस लिस्ट व्यू कंपोनेंट। लिस्ट व्यू background, it is used to set the background component background color. Height, it is used to set the component height hidden. It is used to set the component visibility margin. It is used to set the outer margin of the component margin bottom left right top, and padding. Padding, it is used to set the padding inside the component. Padding bottom left right top and width, it is used to set the component width. List view footer proposition जिसमें output किया गया background. It is used to set the component background color, height. It is used to set the component height, padding bottom left right and top, width. It is used to set the component width. List view headers में यहाँ background, it is used to set the background color, component background color, height. It is used to component height, padding bottom left right and width. List view जो है वो raw put किए गए यहाँ पे। बैकग्राउंड जो आउटपुट किया गया इट इज यूज्ड टू सेट द कंपोनेंट बैकग्राउंड। सेम प्रोसीजर आपने पुट करना है हिडन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। इट इज यूज्ड टू सेट द कंपोनेंट कंटेंट ऑफ द कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली अलाइंड लेआउट। इट इज यूज्ड टू सेट कंपोनेंट डायरेक्शन मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पैडिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वर्टिकल अलाइनमेंट। इट इज यूज्ड टू सेट द कंटेंट ऑफ द कंपोनेंट वर्टिकली अलाइंड विड्थ। इट इज यूज्ड टू सेट द कंपोनेंट विड्थ। अगेन यहाँ पुट किया गया लिस्ट व्यू सेक्शन हेडर। इट इज यूज टू सेट द हेडर और हेडर एलिमेंट ऑफ द कंपोनेंट। लिस्ट व्यू सेक्शन हेडर जिसमें बोल्ड, इट इज यूज टू सेट द बोल्ड वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। कलर, इट इज यूज टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट मार्जिन बॉटम लेफ्ट राइट एंड टॉप। अगेन पैडिंग पुट किया गया बॉटम लेफ्ट एंड राइट टॉप। साइज, इट इज यूज टू सेट द कंपोनेंट फॉन्ट साइज। यहाँ अगेन पुट किया गया लिस्ट व्यू सेपरेटर जिसमें कलर है। इट इज यूज टू सेट द कलर ऑफ द सेपरेटर। हाइट, set the component of height hidden, set component visibility margin, outer margin bottom left right top जो पुट किया गया component values, padding top left right bottom, creating react application and installing module। फर्स्ट स्टेप में जो है वो हमने क्रिएट करनी है react application को, यूज करनी है फॉलोइंग कमांड को npx create react app folder name। सेकेंड स्टेप में क्रिएट करने के बाद प्रोजेक्ट फोल्डर नेम जिसमें आप फोल्डर नेम दे रहे हैं, रीनेम कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अपनी यूजिंग फॉलोइंग कमांड को cd फोल्डर नेम। स्टेप में 3 में जो है वो क्रिएट करने के बाद एक जेएस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, रिक्वायर्ड मॉड्यूल यूज करते हैं फॉलोइंग कमांड को npm इंस्टॉल रिएक्ट डेस्कटॉप। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से दिखाई देगा जिसमें नोड मॉड्यूल पुट किया गया, नोड मॉड्यूल है और पब्लिक है, जिसमें सोर्स पुट किया गया app.css है, app.js, app टेस्ट है, इंडेक्स जो है css, index.js, logo, svg। इस तरीके से डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है जिसमें आप राइट डाउन कर रहे हैं फॉलोइंग कोड को app.js फाइल में। app जो है कंपोनेंट है जिसके अंदर आप रिटर्न कर रहे हैं कोड को। app.js इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट इम्पोर्ट है। लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू हेडर है, लिस्ट व्यू रो, लिस्ट व्यू फुटर, सेक्शन और हेडर। फ्रॉम रिएक्ट डेस्कटॉप मैकओएस पुट करना आपने और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन पुट किया गया ऐप रिटर्न, डिवीजन स्टाइल, डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ 700, पैडिंग लेफ्ट 30। हेडिंग फॉर ओपनिंग टैग है रिएक्ट डेस्कटॉप मैकओएस लिस्ट व्यू कंपोनेंट। हेडिंग फॉर क्लोजिंग टैग्स, लिस्ट व्यू पुट की गई है। बैकग्राउंड आपने रेंजेस पुट करनी है f1, f2 एंड f4। विड्थ आपने पुट करनी है 240, विड्थ जो है वो 200। अगेन लिस्ट व्यू हेडर पुट किया गया सैंपल हेडर और लिस्ट व्यू हेडर पुट किया गया। यहाँ पे लिस्ट व्यू सेक्शन है, उसके बाद जो है वो हेडर है। इस तरीके से जो आपने डिस्प्ले करना है। माई सेक्शन है जिसमें आप लिस्ट व्यू सेक्शन पुट कर रहे हैं, हेडर। अगेन लिस्ट व्यू रो पुट किया गया बैकग्राउंड, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर आप लिस्ट व्यू रो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। अगेन ओपनिंग टैग है, लिस्ट व्यू रो, बैकग्राउंड पुट किया गया, सेकंड इन्फॉर्मेशन लिस्ट व्यू रो, क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग, फुटर पुट किया गया, फुटर क्लोजिंग टैग। अगेन लिस्ट व्यू और डिवीजन जो है क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है यहाँ पे आप देखें। Step to run application. Run the application using the following command from the root of the directory of the project. npm start output जो है जब आप ओपन करते हैं ब्राउजर को इस तरीके का जो है डिस्प्ले होगा आउटपुट। React Desktop macOS list items, list view components जिसमें सैंपल हेडर है। सेक्शन 1 में आप देखेंगे माई सेक्शन जिसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, सेकंड इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आप सैंपल जो है वो फुटर भी आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।